फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त विजेंद्र। मैं हूं सुनील। और दोस्तों, आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं वो है तानाजी का दूसरा ऑफिशियल ट्रेलर, तानाजी द अनसंग वॉरियर। और इसमें कि जैसे आप जानते हैं सभी अजय देवगन जी हैं, सैफ अली खान हैं और काजोल भी हैं इसमें। खतरनाक रोल प्ले होने वाला है इसमें। और इसका हम ट्रेलर पहले भी कर चुके हैं, जो पहला ट्रेलर आया था, इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बेसिकली अगर ये इसकी बात करें तो ये एक सच्ची घटना पे आधारित है। तो ये बेस्ड ऑन ए ट्रू स्टोरी। और तो ऑब्वियस ये बात है, बहुत कुछ जानने को मिलेगा हमें हिस्ट्री के बारे में। क्योंकि मेन चीज़ क्या है, देखो हमें हिस्ट्री हमने पढ़ी है, लेकिन कुछ हिस्ट्री ऐसी है जो हमें नहीं पता, क्योंकि कुछ ही के बारे में हमें पता है कुछ चीज के। देखो हमें जितना भी हिस्ट्री पढ़ाई गई, या तो फिर हड़प्पा संस्कृति या मोहनजोदड़ो पढ़ा दिया गया, या फिर पढ़ा दिया गया थोड़ा सा पृथ्वीराज का, या फिर अकबर औरंगजेब। और उसके बाद अकबर औरंगजेब का तो हमें पढ़ाया कि इन्होंने आए, इन्होंने आक्रमण किया, शासन किया। हमें ये नहीं बताया कि इनसे लड़े कौन कौन थे, किसने क्या क्या किया, निजाम ने क्या किया, किसने शिवाजी ने क्या किया, या साउथ में जो हमारे नरसिम्हा रेड्डी थे उन्होंने क्या किया, ये चीज़ें नहीं पढ़ाई गई थी। तो कुछ चीज़ें हमें मूवियों से जानने को मिल रही हैं। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि जब ये मूवियाँ आती हैं तो ऐसी मूवियाँ हमें बहुत कुछ सिखा के जाती हैं, बहुत कुछ बता के जाती हैं हमारी हिस्ट्री के बारे में, कि हमारी लाइफ कैसे थी पहले और कैसे उन्होंने फाइट करी इस देश के लिए, कितना यानी अपने आप को झोंकना है देश के लिए, और एक खून का कतरा बहाना कितना मुश्किल होता है देश के लिए। और वही सारी स्टोरी है। और इसमें भी शिवाजी के भाई की बात हो रही है, छोटे छत्रपति के भाई की बात हो रही है। तो मेन चीज़ वही है कि यानी कितना स्ट्रगल किया था, वो सारी चीज़ें इनमें दिखेंगी। और ट्रेलर बनने जैसे हमें पता लगी थी काफ़ी चीज़ें कि कितना स्ट्रगल था और कितना फाइट सीन है, तो वो सब कुछ दिखेगा इसमें। और ट्रेलर 2 काफ़ी खतरनाक आने वाला है, तो हम देखते हैं आप लोगों के साथ में। February 1670 हर एक सोने की चिड़िया पर कई बाहरी आक्रमणों ने उस चिड़िया की आत्मा को छलनी कर दिया। एक चूहा आपकी नजरों के सामने शाही परचम को कुतर रहा हो तो आप क्या करेंगे? उसका खात्मा आने जाओ। फिर चालाक आलमगीर ने अपनी सबसे बड़ी चाल चली, एक हिंदू के विरुद्ध हिंदू को खड़ा कर दिया। खबर अच्छी नहीं है दादा, स्वराज के 23 किले अब औरंगजेब के अधीन है और जिसमें कोंढाणा भी शामिल है। रुख सख्त है और पैर नाजुक, जज्बात के साथ साथ ये भी चल जाएंगे। हे भवानी जगत जननी, अब तू ही बताएगी मराठों का स्वराज जिंदा रहेगा या इन दरिंदों के हाथों खत्म होगा? जब भी कुछ संकट आए तो हमेशा सीना तान के खड़े नहीं रहते, अपना दायरा हाथ आगे करो। जिसके घर में बेटी की शादी के न्योते लिखे जा रहे हैं, हम उसे मौत की होली खेलने का निमंत्रण नहीं दे सकते। इन मलबे में माँ की ममता और दूसरे में पति का वजह, अब किसका पलटा भारी? जवाब में इतना ही कह सकते हैं, एक तरफ इंसान की इच्छा और दूसरी तरफ इंसान का कर्म, किसका पलटा भारी? तो कुनाओ अब शिवाजी मारी मुक्ति में। परिणाम जो भी हो, तो उनके अगले दिन आपकी बेटी हमारे घर की बहू बनेगी। मिटा दूंगा उस भव्य का नाम और निशान जमीन से और आसमान से। तू क्या मिटाएगा उस भव्य को जिसका ऐलान खुद आसमान कर रहा है? दिन में 2 बार सूरज उगने से पहले और सूरज ढलने के बाद। जीत स्वराज की होगी, सत्य की होगी, हम सब की होगी। अब लहराओ भगवान और कर दो ऐलान, पहले शादी कोंडाणा की, फिर मेरे रायबा की। Really, 10th January
तो भाई 10 जनवरी को आई है मूवी, 10 को, 14th को, 17th को, 22 को तगड़ा कंपटीशन होने वाला है मूवीज का जनवरी भाई 2020 जनवरी बैक टू बैक, मतलब खतरनाक मूवीज आ रही है, खतरनाक फिल्मों की बारिश कहते हैं ना हम, जैसे हमने सुना ना कि बारिश बूंदों की होती है, पैसों की होती है, लेकिन फिल्मों की बारिश लग रही है और अच्छी अच्छी फिल्मों की बारिश लग रही है, क्योंकि जिस हिसाब से मूवियों के ट्रेलर देखने को मिल रहे हैं हमें और जिस हिसाब से स्टोरियाँ आ रही हैं उस हिसाब से तो ये लग रहा है कि भाई खतरनाक मूवियाँ बनने वाली हैं। और कहीं ना कहीं एक अगर इसकी तो बात करी जाए तो बहुत डिफरेंट मूवी है, और इसको लेके चलो तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। और जिस हिसाब से मैं बात करूं हमारे छत्रपति की बात लेके चल रहे थे और बहुत अच्छी बात बताई कि औरंगजेब ने क्या किया था कि छत्रपति के सामने एक हिंदू राजा ही खड़ा कर दिया था लड़ने के लिए उसके अगेंस्ट ही, मतलब हाँ। तो अब मेन चीज क्या आती है, अब हिंदू राजा को मारने के लिए कोई सोचता है, लेकिन अब उन्होंने क्या किया है अंग्रेजों वाली नीति वही चीजें, छत्रपति को मारने के लिए तैयार थे तो अब वही चीजें चल रही है और इन्होंने कह दिया कि भाई अब चाहे जो भी हो, इंसान का जो कर्म होता है इंसान की इच्छा या इंसान का कर्म, तो उन्होंने अपने कर्म को पहले रखा, इच्छा तो जो उनकी थी लेकिन उन्होंने अपने कर्म को पहले रखा, उनका कर्म था कि देश में भगवा झंडा फहराना। और यार मतलब ट्रेलर में अब हमें देखने को मिल रहा है कि दोनों की, अजय देवगन और सैफ अली खान की एक्टिंग जो है बहुत ही तगड़ी होने वाली है, और सैफ अली खान भी पूरी टक्कर दे रहे हैं मूवी में, उनका नेगेटिव रोल है पर फिर भी उनका जो रोल दिखाया बहुत ही बढ़िया दिखाया हुआ है। और ट्रेलर 2 से काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं, ट्रेलर 1 में इतना कुछ क्लियर नहीं हुआ था, ट्रेलर 2 में फाइट दिखाई थी, थोड़े बहुत सीन दिखाए थे जिससे थोड़ा बहुत ये क्लियर होता कि हाँ फाइटिंग चल रही है उसको मुगल शासन को ख़त्म करने के लिए, उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा वो चल रहा, लेकिन अब इसमें पता लगे कि एक्चुअल में क्या सिचुएशन क्रिएट की गई थी, कैसे वो फाइट स्टार्ट हुई, कैसे लड़ाई आगे बढ़ी है, किस किस मुकाम पे, यानी एक सीन दिखाया था कि लास्ट में उनका हाथ भी कट गया है उनका और वो लेफ्ट हैंड से झंडा खड़ा करके बैठे हैं, यानी फतेह वाला झंडा था वो पकड़ के बैठे हैं, तो इससे पता लग रहा है कि हाँ उन्होंने अपनी आखिरी दम तक अपनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। और ट्रेलर 2 काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करता है, मतलब स्टोरी का कैसे कैसे उन्होंने लड़ाई लड़ी है और क्या क्या उन्होंने सहा है और कैसे कैसे सिचुएशन थी और जो भी मतलब वो वॉर के लिए गए हैं किस किस टाइम पे। अजय देवगन की माँ का जो उन्होंने रोल किया उन्होंने बहुत अच्छा रोल किया, उन्होंने कहा कि या तो अब ये मराठा साम्राज्य खत्म होगा या फिर मुगल साम्राज्य खत्म होगा, अब ये तो भगवान का ऊपर ही है। और काजोल ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, उन्होंने बचपन से उन्हें सिखाया बच्चे को कि एक हाथ में तुम्हारे देश की है और एक पति की है तो बताओ तुम्हें क्या करना है, तो उन्होंने सारी चीज़ें समझाई अपने बच्चे को, तो बच्चा कहता कि विजय किसकी होगी, तो उन्होंने कहा कि विजय स्वराज की होगी, सत्य की होगी, और ये बात सच है यार दोस्तों की विजय हमेशा सच की होती है, सच्ची होती है हमेशा। तो हिस्ट्री का बहुत ही एक तगड़ा मतलब हमें एक स्टोरी मतलब देखने को मिलेगी इस मूवी में, और जिससे कि काफ़ी लोग अनजान भी होंगे साउथ, मतलब जो हमारा महाराष्ट्र है वहाँ पे तो ये काफ़ी सुनी हुई होगी उनकी स्टोरी, पर यहाँ नॉर्थ में इतना ज़्यादा नहीं जानते लोग क्योंकि हिस्ट्री में कहीं लिखा नहीं और है। और मेन चीज़ क्या है ना कि देखो पूरे देश के बारे में किसी ने पढ़ा भी नहीं और पढ़ाया भी नहीं गया और लोगों ने जानने की कोशिश भी नहीं करी है, ठीक है, बस ये है कि अब जैसे फिल्में आती हैं फिल्मों के थ्रू हम जानने की कोशिश करते हैं, अब क्या होता है अब जैसे हमें ट्रेलर देखा तो हम सोचे कि हम थोड़ा सा माइंड सेटअप होता है कि हम थोड़ा पढ़ लेते हैं यार इसके बारे में, थोड़ा हमें पता भी लग जाए, चलो मूवी जब आएगी तब की बात है, लेकिन आज जैसे हमने देखा इस ट्रेलर को तो आज के बारे में सोचेंगे हम थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में, तो नहीं कुछ हमें यार कुछ नहीं करना, लेकिन हम अपनी नॉलेज तो बढ़ानी है यार, बीइंग एज ह्यूमन हमें पता होना चाहिए ना हमारे देश में क्या क्या चीज़ें हुई, कौन थे, क्या था, तो सब चीज़ें पता होनी चाहिए। जब एक चीज़ कहीं ना कहीं से एक सच्ची घटना पे आधारित फिल्म बन रही है तो उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो घटना कैसे घटी, तो ये क्या हुई, फिल्म में तो देखो जो डिस्क्राइब करेंगे फिल्मों में आधी चीज़ें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाते हैं क्योंकि किसी को नहीं पता यार एक्चुअलिटी क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, लेकिन क्या होता है काफ़ी चीज़ें आपको पढ़ने से क्लियर होंगी, ठीक है, और फिर मूवी देख के आपको इमेजिनेशन हो जाएगी, पिक्चर जब आपके सामने घूमती है तो आपको पता लग जाता है कि हाँ एक्चुअल सिचुएशन क्या बनी होगी उस टाइम। कईयों ने स्कूल में चाहे पढ़ा भी होगा चाहे हिस्ट्री की बुक्स में, पर वो जो होता है वो हमारा लिमिटेड होता है, मतलब जो हम पढ़ते हैं उतना ही लिमिटेड होता है, पर मूवीज़ के थ्रू हमें थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन मतलब मिलता है उस चीज़ के बारे में, और जो उनकी पर्टिकुलर बुक्स हैं उसमें आप पढ़ोगे तो एक अलग सी मतलब सच्चाई वो हमें पता लगती है हिस्ट्री की। और जो हिस्ट्री लाइक करते हैं आई थिंक उन्होंने पढ़ा भी हो और नहीं पढ़ा हो तो इस मूवी को देख के काफ़ी चीज़ें उन्हें याद रह जानी है, क्यों, क्योंकि एक चीज़ क्या होती है कि
हमारी तीनों चीजें काम कर रही होती है यहाँ पे, हम देख भी रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं, मुझसे थोड़ा बहुत बोल भी रहे होते हैं, तो यहाँ पे तीनों चीजें काम कर रहे होते हैं, तो हमारे माइंड में स्ट्राइक कर जाती हैं वो चीजें और बिल्कुल फिट हो जाती हैं। तो इसलिए क्या होता है, कभी भी हमें टीचर क्या करते हैं कि हमें क्यों, टीचर सामने खड़ा होकर जब पढ़ाता है तो वो डिफरेंट होता है और हमें खुद पढ़ने में डिफरेंट होता है, तो हर चीज़ का एक एक्सपीरियंस अलग होता है। तो वहीं हम हिस्ट्री पढ़ भी सकते हैं साथ के साथ देख सकते हैं मूवी में, और ऐसे बहुत कुछ चीज़ें देखने को मिलने वाली है इस मूवी में। तो ये था ट्रेलर टू तानाजी का, और ट्रेलर बहुत ही बढ़िया इन्होंने एक्सप्लेन करके बनाया हुआ है, और इसमें एक चीज़ क्लियर भी हो गई है कि मूवी किस तरफ आगे बढ़ रही है, किस लेवल से जा रही है, तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई ट्रेलर टू आने के बाद। तो आपको ये ट्रेलर कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में हमें लिख के ज़रूर बताएं इसके बारे में, और साथ के साथ दोस्तों हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो, अब तो सब्सक्राइब करना बनता भी है, अब तो इतनी अच्छी मूवी भी आ रही है, तो फिर तो यार फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन दबाओ और नोटिफिकेशन फटाफट पाओ, और लाइक करो यार वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।